नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि क्या कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है। जी हां, खतरनाक तो है, लेकिन क्या इसको रोकने के लिए अब लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा हुआ है? इस पर गंभीर चर्चा करेंगे। तो पहले स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में देखिए, यह है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। संक्रमण की रफ्तार का ग्राफ पहले से कहीं ज्यादा है और लाख की संख्या पार करने में कुछ ही दिन लगे हैं। जी हाँ, बहुत कम दिन लगे हैं। जिस रफ्तार से लाख की संख्या को आज पार किया है कोरोना का केस, वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है और नए वेरिएंट से री इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ा है। जी हाँ, कहा यह जाता है कि शरीर में एक बार कोरोना हो गया तो एंटीबॉडी डेवलप होता है, और एंटीबॉडी होता है तो कोरोना होने के चांसेस कम होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना हो रहे हैं। ये बात और है कि ज़्यादातर केसेस में री इन्फेक्शन माइल्ड माना जाता है, पर अमेरिका में कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्टेड हुए हैं कि री इन्फेक्शन पहले इन्फेक्शन से कहीं ज़्यादा संक्रामक और घातक भी रहा है, मतलब ज़्यादा खतरनाक रहा है। तो निश्चित तौर पर कोविड का ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, और इसलिए एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत जल्दी होगा, लेकिन ये चिंताजनक ज़रूर है। और पहले से अब चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पहले उस रफ्तार में कोविड का केस बढ़ा नहीं था। दूसरी बात ये थी कि पहले लोगों में डर था, भय था, लोग कोविड प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली पालन कर रहे थे, जबकि अभी लोगों के मन से कोविड के प्रति जो भय है वो घट गया है, वो कम गया है। अगर हम दूसरे स्लाइड पे जाएं तो उसमें देखिए कि संक्रामक तो है ये तय हो चुका है, क्योंकि जिस रफ्तार में इन्फेक्शन बढ़ रहा है उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये संक्रामक नहीं है। इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन घातक है कि नहीं है ये तो कुछ टाइम बाद पता चल पाएगा कि कितना घातक है, इसका वायरुलेंस कितना ज़्यादा है, पहले की तुलना में ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, क्योंकि नए नए वेरिएंट सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर उसकी स्टडी चल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दूसरे वेव में ये देखा जा रहा है कि युवाओं में भी ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। अब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 50% से ज़्यादा, अगर आज के रिकॉर्ड की बात करें जो दर्ज की गई है, तो 55% से ज़्यादा केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में जब पहला लहर भी था तो डेंस एरियाज में, मुंबई में काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए थे, पुणे में काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए थे, तो कहा यह जा रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी आ गया है। पर हर्ड इम्यूनिटी आ गया है तो मुंबई और पुणे में संक्रमण क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? और ये इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि क्या जो वायरस है उसने अपना स्वरूप बदल लिया है, क्या उसमें म्यूटेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको वो एस्केप कर जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है, अगर जो लोग इन्फेक्टेड थे उनमें एंटीबॉडी डेवलप हुआ लेकिन फिर भी वायरस ने अपना स्वरूप इस कदर बदल लिया कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो बॉडी का है उसको एस्केप कर जा रहा है, और एस्केप कर जा रहा है क्या उस वजह से संक्रमण बढ़ रहा है? मतलब साफ है, जो रिसर्चर हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि क्या म्यूटेशंस वजह है, क्या कोरोना के नए वायरस के नए स्ट्रेन्स वजह है, क्या वजह है। और ये तभी पता चल पाएगा, क्योंकि ये साफ हो चुका है देखिए कि इंसाकॉग जो 10 लैब की लेबोरेटरी है उसमें तरह तरह के वायरस का जीनोम सिक्वेंसिंग हो रहा है। तो ये तब पता चल पाएगा एपिडेमियोलॉजिकल और जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद एग्जैक्ट रीजंस पता चल पाएगा। और मैंने आपको बताया कि जिस तरह से वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिस तरह का रफ्तार है, क्या कोरोना वायरस जो है इम्यून एस्केप कर जाता है? मतलब, और इम्यून एस्केप तभी कर सकता है जब शरीर के अंदर का बना हुआ एंटीबॉडी वायरस को पहचानने में दिक्कत नहीं पहचान पा रहा है, मतलब उसके खिलाफ एक्ट नहीं कर पा रहा है, और तभी इंसान संक्रमित हो रहा है, फिर से संक्रमित हो रहा है। और इसमें कई तरह की बातें कही जा रही हैं, जैसे ये भी कि जो लोग संक्रमित नहीं हुए, जिनमें इम्यूनिटी पैदा नहीं हुआ, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है, मतलब उनमें संक्रमण
इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 20-30% लोगों में इन्फेक्शन हुआ था जो कि एसिम्प्टोमैटिक थे, उस समय पता नहीं चला, लेकिन अगर इस बार फिर से हुआ तो री इन्फेक्शन हुआ, लेकिन हम उनको कह रहे हैं कि इन्फेक्शन ही हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी वजहें हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनका पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सीरो सर्विलेंस में ये माना गया था कि 20% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप कर चुका होगा, और अगर हम घनी आबादी वाली जगहों की बात करें तो 50% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप कर गया। तो घनी आबादी मतलब मुंबई, पुणे, इन तरह के शहरों में। तो फिर इन तरह के शहरों में सर्ज होने का वजह क्या है? क्या वहाँ पर लैक ऑफ कोविड बिहेवियर है, मतलब जो कोरोना के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं क्या उसके पालन नहीं हो पा रहे हैं, या वायरस में परिवर्तन है, या फिर कुछ और वजह है? आखिर क्या वजह है उसमें साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये एक रिसर्च का विषय है, चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत फास्ट है। अब सवाल ये है कि पूरे देश में अगर आज की बात करें तो 1,00,000 से ज़्यादा केस और 8 राज्यों में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्या देश में फिर से विकल्प वही लॉकडाउन का बचा है? मैं आपको बता दूं कि क्लिनिकल रिसर्च नेशनल कोविड टास्क फोर्स के हेड रणदीप गुलेरिया ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जी नहीं, लॉकडाउन विकल्प नहीं है, पर यह बात जरूर है कि कंटेनमेंट एरियाज को चिन्हित करना पड़ेगा और वहां पर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टेस्ट, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट के साथ साथ आइसोलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और वैक्सीनेशन के साथ साथ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, तभी हम इस पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि इस बार जो दूसरी लहर आई है उसमें कोविड वायरस के बहुत सारे बिहेवियर का पता एक रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा। तो निश्चित तौर पर जो दूसरी लहर है वो बेहद खतरनाक जरूर है, पर सरकार अभी लॉकडाउन के विकल्प पे नहीं सोच रही है अगर नेशन वाइड लॉकडाउन की बात करें। हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर कंटेनमेंट जोन की बात जरूर है, जहाँ पर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के जरिए उसको रोकने की बात कही गई है। धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।